मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद पहली बार पूरी क्षमता से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में स्कूल फिर से खुल रहे हैं। कोरोना के बाद यह पहला मौका है जब स्कूल खुलने के लिए कोरोना को लेकर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। इस बार स्कूलों में बच्चों का भी अलग अंदाज से स्वागत किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लाड कुई, जहाँ की छात्र छात्राओं का पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर हुआ बच्चों का स्वागत। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में स्कूल ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब कोरोना का असर कम होने के बाद स्कूल पूरी तरीके से संचालित होने हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले हैं। यही कारण है कि स्कूल में बच्चों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि यही कारण है कि स्कूल में बच्चों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। विराट 24 के लिए सीहोर से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। पहले जब बच्चे स्कूल में आते थे तो डरते थे, क्या नया स्कूल है, हम त्योहार की तरह मनाने लगे, लेकिन बच्चों को मन से डर में छा जा राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।